ब्लॉगिंग का पहला पार्ट देखी होगी, नहीं तो मैं फिर आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन या आई बटन में, जिस जहां पर भी आपको मिल जाएगा, आपको ढूंढना है किधर लगा हुआ है ये, आप देखे हो तो कोई बात नहीं। तो आपकी पहले से बताया था ब्लॉगिंग कैसे करें पार्ट वन, जो कि उनमें से मैं आपको बताया था कि ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या आवश्यकता है, फिर ब्लॉगिंग के लिए आपको डोमेन नेम की बताया था, उसके बारे में होस्टिंग के बारे में बताया था, फिर जो कि आपकी दुकान बन गया था, दुकान बनवा दिया था, जो जो दुकान बनवा दिया वो कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। फिर तो दुकान बनाने के बाद क्या काम है, दुकान पर सामान रखना है, सामान कौन से सामान रखना है ना, जो बेचना है उन पर, समझ गई, तो उसी सामान को रखना है, तो फिर दुकान को अच्छी तरह से क्या जो कि डेकोरेट करना है, तो अच्छी तरह से डेकोरेट करना है, यानी कि आपकी वेबसाइट को मेरे आप जो जिस तरीका से समझते हो मैं बहुत अच्छा से समझाऊंगा आपको। आपकी दुकान को डेकोरेट करोगी, नहीं मैं वहां पर कॉस्मेटिक आइटम रखूंगा, रख लो, नहीं मैं वहां पर क्या रखूंगा, लेडीज का आइटम रखूंगा, तो आप रख सकते हो उन पर। तो आप क्या करोगी ना, ब्लॉगिंग के लिए जो जो चीज जो जो आवश्यकता है आपको, उसी को क्या क्या लिस्ट कर दिया, मैं वहां पर रखूंगा। उस तरह ब्लॉगिंग के लिए भी आपको क्या क्या, दुकान के सामान तो रख लिया, ब्लॉगिंग का सामान कैसे रखोगी, ब्लॉगिंग के सामान रखने के लिए आपको कौन कौन सी, मैं एजुकेशन के बारे में लिखूंगा तो एजुकेशन के बारे में एक लिस्ट बनाई, समझ गई, फिर मैं बोलोगी नहीं मैं आपको एजुकेशन के बारे में कोई टिप्स देना है, 5-10 आर्टिकल 10-15 आर्टिकल्स लिखना है, उस पर आप 10-15 आर्टिकल्स लिख सकते हो, फिर आप टेक्निकल के बारे में बताना चाहती हो तो टेक्निकल के बारे में 15 या 20 लिस्ट बना सकते हो, फिर आप बोलोगी नहीं मैं बैंकिंग के साइड में जाऊंगा, तो आप उन पर भी कमा सकते हो पैसा, तो उन पर भी आप क्या कर सकते हो, उन पर भी एक पेज बना सकते हो। तो उसी पेज से जो जो सामान रखना है, यानी कि बैंक सामान पर बैंक की कंटेंट लिखे बैंक की पेज पर, फिर आपको जो डिजिटल की तरफ बताना चाहती हो तो उसकी डिजिटल साइड जो आप पेज बनाए है उन पर, आप टेक्निकल की ऊपर जो बताना चाहते हो उन पर आप सेट करें। उस तरह क्या होगा ना, जो भी व्यूअर्स आएगा आपको आसानी से देख सकते हैं, नहीं उन पर ये है वो है वो है ना, सब मिला के रहेगा तो होगा क्या, नहीं ना, आप बताएं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको कैसा लगा, आपको क्या सही लगती है मेरी आवाज या फिर मैं जो बताना आपको समझाना, तो आपको आसान भाषा में समझाना चाहती हूँ, जितना आसान हो सकता है उतना आसान से बताना चाहती हूँ कि आप कैसे ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो पेज वेबसाइट का डिजाइन आप सब कर दिया, अभी क्या है, अभी लिखना है कंटेंट, फिर आप कंटेंट कौन सी लैंग्वेज पे लिखना चाहते हो, कोई बोलोगे नहीं मैं मुझे क्या मैं तो हिंदी आती नहीं, मैं तो बहुत गुजराती आती है गुजराती भाषा में लिखूंगा, कि बिहारी आती है बिहारी भाषा में लिखना पसंद करते, कोई तेलुगु भाषा में लिखना पसंद करते, तो आप लिख सकते हो कोई भी भाषा, आप ओडिशा की हो तो ओडिया भाषा पर भी आप लिख सकते हो, समझ के, कोई भी भाषा पर आप कोई भी लैंग्वेज पर लिख सकते हो, लेकिन लेकिन का मतलब क्या है, लेकिन का मतलब ये है कि आप जिस भी भाषा पर लिखना चाहते हो गूगल आपको समझते नहीं है, समझ गई आप, इसलिए गूगल को समझने के लिए आपको क्या करना, उन पर जो टैग लगाना है, उन पर जो हेडिंग है हेडलाइन जिसको बोला जाता है उसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखें, समझ गए, उस हेडिंग हेडलाइन को आप ये ध्यान रखो कि हर तरह की वह जो कंटेंट लिखोगी सभी कंटेंट का हेडलाइन सभी कंटेंट का जो मुख्य विषय वस्तु आपकी उसका आप खुद की लैंग्वेज में मत लिखे, आपकी मदर टंग पर मत लिखे, इंग्लिश लैंग्वेज पर लिखे,
समझ के जिन जिन को समझ के कमेंट करके नीचे फिर बताओ मुझे भी। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे आपको और एक टिप्स लेके। आप ब्लॉगिंग के लिए कितना माहिर हो, कितना अच्छा सीख लिया, या फिर आप कितना अच्छा करना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताना। फिर देर किस बात की, नेक्स्ट मैं आ रही हूँ आपको एक फिर पार्ट थ्री लेके, ऐसा पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर में आपको पूरे कंटेंट लिख के छोड़ूंगा, जब तक आप सीखोगे नहीं। समझ गई, सीख गई तो मेरा काम बन गया। मैं आपको, आप कौन है, मैं कौन हूँ।